अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। मामा के भांजे मेरे पास भी पांडवों को भस्म करने। एस एस राजामौली देश के फेमस फिल्म मेकर्स में से एक है। वह ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जो सिनेमा को एक कदम आगे लेकर जाती है। और अब ऐसे में एक बार फिर से राइटर और डायरेक्टर एस एस राजामौली ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, इस बार वो फिल्म बनाने वाले हैं हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में से एक महाभारत पर। वेल, आपको बता दें कि महाभारत पर फिल्म बनाने की इच्छा राजामौली की काफी सालों से रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि ये उनका सपना है। इसे पढ़ने में कितने साल लगेंगे, फिल्म कितने पार्ट में आएगी और इस पर कब काम शुरू होगा, इसके बारे में खुद एस एस राजामौली ने बताया है। बता दें कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो ओरिजिनल महाभारत पर एक ट्विस्ट डालने वाले हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही कास्टिंग वाले वो हिस्से पर आएंगे। हालांकि इस इवेंट में कुछ हिंट्स देते हुए उन्होंने स्टारकास्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कई सारे अलग अलग स्टारकास्ट होगी, यानी कि मल्टी स्टार फिल्म ये होने वाली है, जिसमें आमिर खान, ऋतिक रोशन, प्रभास, अल्लू अर्जुन का भी उन्होंने नाम लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक्टर यश भी इस फिल्म में हो सकते हैं। वेल, आपको बता दें कि एस एस राजामौली की ये फिल्म काफी बड़े पैमाने पर तैयार की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म को मैं 10 पार्ट्स में बनाऊंगा। जिस तरीके से राजामौली टीवी पर 266 एपिसोड के शो महाभारत को एक फिल्म में बदलने का लंबा सपना देख रहे हैं, उसी तरीके से फैंस भी एस एस राजामौली के इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। साथ ही एस एस राजामौली ने ये भी कहा कि मैं जो भी फिल्म बनाता हूं, मुझे लगता है कि मैं महाभारत बनाने के लिए कुछ न कुछ सीख रहा हूं, इसलिए मेरा सपना है और हर कदम मैं उसी सपने की ओर आगे भी बढ़ रहा हूं। वेल दोस्तों, एस एस राजामौली की फिल्म महाभारत पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट करके जरूर बताएं।